वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपके अपने मंच पर, जहां आप ना सिर्फ पढ़ते हो बल्कि सीखते भी हो, डिस्कशन भी कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्शंस विद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स यू वांट फ्रॉम अस फॉर यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जहां हमने तीसरे चैप्टर में काफी कुछ पढ़ लिया है जो आप पढ़ रहे हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को बहुत अच्छे से परिभाषित करते हुए हमने बहुत कुछ पढ़ाया है इस चैप्टर में, और भी बहुत कुछ आपके पढ़ने के लिए बाकी है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अमेरिका ने अपनी सामरिक शक्ति के माध्यम से, अपनी जो सैन्य शक्ति है उसके माध्यम से किस तरह से वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आज हम उसके जो दो एस्पेक्ट बच गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का अमेरिका ने उपयोग किया है। तो पहला डिस्कशन हम ये करेंगे कि ये जो अमेरिकी हेगेमनी है, ये जो अमेरिकी वर्चस्व है, इसका संरचनात्मक शक्ति के रूप में किस तरह से है। संरचनात्मक शक्ति क्या होता है? देखो, सिर्फ और सिर्फ सैन्य शक्ति के माध्यम से तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा उसका पावर टूल है जिसका नाम है उसकी इकोनॉमी। वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जो है शक्ति का सोर्स है, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमेरिका के वर्चस्व में। जैसे अब अमेरिका किस प्रकार से संरचनात्मक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व बनाता है। सबसे पहला है सार्वजनिक आधारभूत संरचनात्मक निर्माण, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो जितने भी संरचनाएं बनाई जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जाते हैं, अमेरिका ने हमेशा उनमें निवेश किया है। अब आधारभूत, सार्वजनिक आधारभूत क्या होते हैं? देखो, जैसे कि समझिए सी लेन है। सी लेन क्या होता है? सी लेन जैसे समुद्री मार्ग है। अब हालांकि समुद्री मार्ग सबके साझा होते हैं, हमने ये पिछली बार भी पढ़ा था कि किसी भी देश के जो समुद्री तट होते हैं उनसे 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी लगभग 22 किलोमीटर तक उसी देश का अधिकार होता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, हमेशा उसमें भी घुसपैठ करने की कोशिश की है, हमेशा कोशिश की है उस पर भी अपना अधिकार जमाए। तो ये जो अधिकार जमाने की कोशिश है, इसको वो कैसे करता है? भाई, कई देश तो सीधे सीधे मान जाते हैं, लेकिन जब नहीं मानते, या फिर वो कहते ना कि साम दाम दंड भेद, तो उसने कई बार दाम से उनको मनाने की कोशिश की है। वो क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है सी लेन के निर्माण में, वो इन्वेस्ट करता है जो एयर रूट्स होते हैं, एयर रूट्स के निर्माण में, यानी ऐसे निर्माण कार्य जो है वो ज्यादातर अमेरिका द्वारा की जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं उसके चपेट में आ जाता है, या पूरा विश्व उसके उसके अधिकार में आ जाता है। तो वो हमेशा जो संरचनात्मक निर्माण करता है वो ऐसे ही करता है जो सार्वजनिक हो, ठीक है। ऐसे किसी चीज में हमेशा निवेश करेगा जो कि सार्वजनिक हो और उसके प्रभुत्व को भी कायम रख सके। दूसरा है आर्थिक प्रधानता। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में उसका प्रभुत्व होना बिल्कुल सामान्य सी बात है। साथ ही साथ अमेरिका विकसित देश है, हालांकि विकसित देश और भी हैं, लेकिन विकसित होने के साथ साथ उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है। तो ये दोनों चीजें मिलकर अमेरिका को वैसे ही इंपॉर्टेंट बना देती है कि उसके पास इतना पैसा होता है ना, कि कई बार जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो कोशिश यही करता है कि सभी मेरे अंडर में रहें। तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है, ऐसे में क्या करता है, वो कहीं भी कभी भी छोटे देश जो होते हैं उनको मदद करने से हिचकता नहीं है, लेकिन इन छोटे देशों की मदद के नाम पर वो हमेशा ये चाहता है कि ये उसके अंगूठे तले दबे रहें। पिछले हमने वीडियो में देखा था ना कि द वर्ल्ड अंडर यूएस थंब, तो बिल्कुल वही कोशिश अमेरिका अपनी इकोनॉमी के माध्यम से करता है। फिर अकादमिक विशिष्टता। अकादमिक विशिष्टता आपने देखा होगा, पहले प्रबंधन के कोर्सेज जो आप करते हो ना, अभी मैनेजमेंट के कोर्सेज, वो इतने नहीं थे, लेकिन अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जिस तरह से एमबीए करवाती हैं,
या फिर जिस तरह से बाकी के कोर्सेस करवाती है, ये एकेडमिक विशिष्टता अमेरिका को बहुत ऊपर ले जाती है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने यहाँ पर एमबीए किया है या फिर मैं फला फला जगह से एमबीए कर रहा हूँ, और वहीं कोई दूसरा कहे कि मैं कैलिफोर्निया से एमबीए कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूँ, तो क्या उनमें डिफरेंस नजर नहीं आएगा? तो अमेरिका ने अपनी बिजनेस की जो स्टडीज हैं उनको भी इतना विशिष्ट, इतना स्पेशल बना दिया है कि वो पूरे विश्व में मान्य है। अब इस तरह से विशिष्टता अगर कायम कर ली गई है तो व्यापार में जो धाक है वो वैसे ही उन लोगों की होती है जो मैनेजमेंट के लिए माहिर होते हैं। तो ऐसे में मैनेजमेंट जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है विश्व में अपनी धाक कायम करने के लिए। फिर है वैश्विक संस्थाओं पर प्रभुत्व। वैश्विक संस्थाएं जैसे कि यूएनओ, यूनिसेफ, या फिर इसमें हम वर्ल्ड बैंक का नाम भी ले सकते हैं, इसमें हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कह सकते हैं, यूनेस्को भी कह सकते हैं, ये सारी संस्थाएं जो भी है, और साथ ही साथ सुरक्षा परिषद भी। इन सारी संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा धन किसका लगा है? अमेरिका का लगा है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं जो कि बेटन वुड की बहने कही जाती है, तो बेटन वुड तो अमेरिका से संचालित हुआ था, तो ब्रेटन वुड की बहने तो अमेरिका द्वारा ही संचालित होती है। देखो, ब्रेटन वुड नाम से एक समझौता हुआ था, ब्रेटन वुड समझौता, ब्रेटन वुड्स कहते हैं उसको, ब्रेटन वुड समझौता। इसी समझौते के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और बाद में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड की स्थापना की गई थी। तो इसी समझौते के कारण इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की बहने कहा जाता है। अब ये जो ब्रेटन वुड्स की बहने हैं, इनमें ज्यादातर पैसा तो अमेरिका द्वारा लगाया गया है। अब अगर कोई विश्व का कोई भी देश जो है वो अगर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेता है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो अमेरिका से कर्जा ले रहा है, और जिससे आपने कर्जा लिया है उससे तो वो हमेशा दबेगा। तो ये कुछ निश्चित कारण है, ये कुछ ऐसे कारण है, सर्टेन रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका की धाक विश्व में आर्थिक क्षेत्र में भी कायम हो पाई है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक वर्चस्व की। आर्थिक तो हमने देखा कि भी पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व ऐसा क्या है? सांस्कृतिक वर्चस्व में सबसे पहली जो है भाषा, रहन सहन। देखो, जब हमने शुरू में तीन बच्चों की कहानियां पढ़ी थी तो उनमें एक कहानी थी आंद्रेई की। आंद्रेई जो कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में रहता है, उसके माता पिता रशियन हैं लेकिन उनको वहां से आना पड़ा यहाँ छोड़ के, अब वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आंद्रेई जब भी जीन्स पहनता है उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है। ये हमने कहानी उस समय छोड़ दी थी, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि जीन्स जो है वो अमेरिका की देन है, विश्व को अमेरिका की देन है पहनने के लिए। तो ऐसे में उसकी मम्मी गुस्सा इसलिए हो जाती है कि उसका बच्चा अमेरिकी जो है संस्कृति की तरफ जा रहा है। तो यानी बच्चे तक जो है वो अमेरिकी की संस्कृति से प्रभावित है। ये आपको समझना चाहिए कि भाषा और रहन सहन अमेरिका की बहुत दो बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनसे लगभग पूरे विश्व के लोग प्रभावित हैं। दूसरा, वहां पर जो लोग रहते हैं वहां की जो विचारधाराएं हैं उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। पूरा विश्व कैसे? देखिए, हमने देखा था कि शीत युद्ध क्या था, पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी, लेकिन अंततः साम्यवाद के जो हिमायती देश थे वो पीछे हट गए और पूंजीवाद के हिमायती देश जीत गए। तो ऐसे में अपने आप ही पूंजीवाद का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सांस्कृतिक वर्चस्व भी स्थापित हो गया। अब जब विचारधारा से लोग प्रभावित है, इसका मतलब वो वहां की संस्कृति से भी प्रभावित है। फिर उसके अलावा इंटरनेट अमेरिका की देन है। इंटरनेट अमेरिका ने दिया पूरे विश्व को और आज वो कंडक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझिए कि हालांकि सिलिकॉन वैली जो कि पूरे विश्व का इंटरनेट कंडक्ट करती है, उस सिलिकॉन वैली में काम करने वाले 70% भारतीय हैं,
लेकिन फिर भी वो है किसकी, अमेरिका की। तो यानी कि वो काम तो अमेरिका के अंडर में ही कर रहे हैं, वो 70% भारतीय, 30% अमेरिकियों या अन्य लोगों के अंडर में काम कर रहे हैं। तो यानी कि किसी ने किसी तरीके से अमेरिका ने अपना प्रभुत्व हर जगह पे कायम रखा है। अब इंटरनेट के बाद बहुत सारे और ऐसे ऐप्स हैं, हालांकि ऐप्स अब हर कोई बनाने लगा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो जो मूल है वो मूल हम नहीं भूल सकते कि कहीं ना कहीं इसके एक मूल में अमेरिका ही बैठा है। तो जो मूल है वैसा ही वृक्ष उगेगा, तो इसी वजह से ये हेगेमनी का जो वृक्ष है वो फैलता ही जा रहा है। तो कुछ ये जो कारण है, चाहे भाषा रहन सहन हो, चाहे विचारधाराएं हो, इंटरनेट हो, उसके बाद उसके जो एप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कपड़े हों, हम हमेशा ही प्रभावित होते हैं, चाहे राजनेता हो वहाँ के, हम हमेशा अमेरिका की चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो जब ये प्रभाव हम पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ही अमेरिका की जो हेगेमनी है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भारत के साथ अमेरिका के कैसे रिश्ते रहे, अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध थे उनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान भारत की सबसे करीबी मित्रता तो सोवियत संघ के साथ थी। देखो, जब हमने शीत युद्ध पढ़ा था तो हमने सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्तों को पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए समझना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझ सको कि किस समय किस देश के साथ किस तरह के रिश्ते हमने कंडक्ट किए और उनका आज की प्रासंगिकता कैसी है, वो आज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया। इससे क्या हुआ, भारत को अमेरिका सहित कई देशों के लिए एक आकर्षक आर्थिक भागीदार बना दिया। भारत ने जैसे ही अपने मार्केट को लिबरल किया, जैसे ही लिबरलिज्म को अपनाया, वैसे ही अमेरिका, चीन जैसे सभी देश यहाँ आए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत जो है जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान है, तो आप समझ सकते हो कि इस देश की जनसंख्या अगर बड़ी है तो इसका मतलब यहाँ का मार्केट भी बड़ा है। तो ऐसे में इन देशों का हमारी ओर आकर्षित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज विद द सोवियत यूनियन। ओवर द ईयर्स इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज द इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकोनॉमी। This made India an attractive economic partners for a number of countries, including US. इस वजह से अमेरिका भारत की ओर आकर्षित हुआ। The new two factors emerged in Indo-US relations in recent years. दो नई चीजें निकल के आई है, वो क्या है, सबसे पहला technological dimension और दूसरा the role of इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। हाल के वर्षों में भारतीय अमेरिका संबंधों में दो नए कारक उभरे हैं, एक तो तकनीकी आयाम है और एक भारतीय अमेरिकी प्रवासी भूमिका है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि सिलिकॉन वैली में 70% भारतीय रहते हैं, अब एक साथ अगर ये भारतीय छोड़ के चले जाए तो सिलिकॉन वैली का कामकाज बिगड़ जाएगा। और सिलिकॉन वैली अमेरिका के जो इंटरनेट रिलेटेड कामकाज है, कंप्यूटर रिलेटेड कामकाज है, उनकी रीढ़ है। तो सोचिए, अगर रीढ़ टूट जाएगी तो फिर बाकी की चीजों के लिए तो क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए। तो इसीलिए ये जो दो चीजें हैं, एक तो तकनीकी आयाम और दूसरा भारतीय अमेरिकी प्रवासी की भूमिका, इस वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा सुधरे हैं, या कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये तय करने के लिए अलग अलग तीन अलग अलग रणनीतियां होनी चाहिए कि यूएसए के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए। भारत के अगर हमें ये देखना है कि किस तरह के संबंध होने चाहिए, उसके लिए तीन रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। पहली, वे भारतीय विश्लेषक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते हैं, पसंद करते हैं कि भारत को अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखो, जो लोग ये मानते हैं कि सैन्य शक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका ये कहना है कि सैन्य शक्ति की अगर हम बात करें तो हमें अमेरिका से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जहां भी अमेरिका की हेगेमनी, जहां भी अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा बड़ा है, उसने अपने आप से बड़ा सैन्य शक्ति में किसी को होने नहीं दिया है। इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एनपीटी के रूप में।
या जिसको सीटीबीटी भी कहते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो परमाणु अप्रसार संधि थी। परमाणु अप्रसार संधि में हमने साफ कहा था कि हमने अमेरिका ने उस समय क्या शर्तें रखी थी कि वो देश जिन्होंने अब तक परमाणु बम नहीं बनाए वो आगे बना भी नहीं पाएंगे और कोई देश उनकी सहायता नहीं करेगा। ऐसा करना क्या भारत जैसे देशों के लिए उचित होता, जबकि चीन जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है। तो ऐसे में भारत को जो ये मानते हैं कि भारत को सैन्य शक्ति के भी बढ़ाना चाहिए, वो ये भी मानते हैं कि भारत को अमेरिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दोज इंडियंस एनालिस्ट्स हु सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर्स प्रिफर दैट इंडिया शुड मेंटेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम यूएस एंड शुड फोकस अपॉन इंक्रीजिंग इट्स ओन नेशनल पावर। हमें अमेरिका से दूरी बनाकर अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अन्य विश्लेषक अमेरिका और भारत के बीच हितों के बढ़ते अभिसरण को भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखते हैं। कई ये भी मानते हैं कि इस तरह से अगर हमारी दोस्ती बढ़ रही है तो ये हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, आगे के टाइम में हम इसमें बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। अदर एनालिस्ट सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। विश्लेषकों का एक तीसरा समूह भी है जो इस बात की वकालत करता है कि भारत को विकासशील देशों के गठबंधन की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जबकि अमेरिका एक विकसित देश है तो उनका ये मानना है कि भारत को सिर्फ विकसित देशों का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकसित देश है, विकासशील देश है, उनके जो है आगे रहकर और उनकी हमें अगुवाई करनी चाहिए। The third group of analysts advocate that India should take the lead in establishing the coalition of countries from developing worlds. भारत अमेरिका संबंधों को एकमात्र रणनीति से प्रबंधित करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका के साथ समझौते की विदेश नीति रणनीतियों का मिश्रण होना चाहिए। हम एक चीज नहीं अपना सकते, तो इन सब का जो मिक्सचर है वो हमें यूज करना चाहिए, खास करके जब हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की बात कर रहे हों तो। अब इस वर्चस्व पर काबू कैसे पाया जाए, किस प्रकार से इस वर्चस्व को कंट्रोल किया जाए। देखो बड़े एक्सेस जो है वो हर चीज की खराब होती है, अति हर चीज की बुरी होती है। तो यहाँ भी ये जो हेगेमनी अमेरिका की बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से इस हेगेमनी को काबू में लाया जाए, ये समझना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी सेना को संतुलित करने के लिए कोई एक शक्ति नहीं है, विभिन्न रणनीतियां हैं जो वर्चस्व को दूर करने में सहायक हो सकती हैं। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ एक चीज से कुछ नहीं होगा, बहुत सी अलग अलग चीजें हैं जो इस पर काम करेंगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सिंगल पावर टू बैलेंस द यूएस मिलिट्री। देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज विच कैन बी हेल्पफुल टू ओवरकम द हेगेमनी। अब वो क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहली जो दी है वो रणनीति बैंडवॉगन ने दी है। बैंडवॉगन नाम के एक एनालिस्ट हैं जिनका ये कहना है, जिसको बैंडवॉगन रणनीति या बैंडवॉगन स्ट्रेटजी कहा जाता है। उन्होंने ये सुझाव दिया कि अधिपत्य की शक्ति के विरोध में गतिविधियों के संलग्न होने के बजाय हेगेमोनिक सिस्टम के भीतर काम करके लाभ निकालने की सलाह देनी चाहिए। मतलब बजाय इसके कि हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं, हम उसके साथ काम करें, हम अपना फायदा लें और बस बात खत्म, उसको जो कर रहा है वो करने दो। इसका मतलब ये है कि हम तटस्थ हो जाएं, हम सिर्फ ये देखें कि हमारा फायदा किसमें है और हम उसके साथ बने रहें। इसको बैंडवॉगन स्ट्रेटजी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द बैंडवॉगन स्ट्रेटजी इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टीड ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज अपोज टू द हेगेमोनिक पावर इट इज एडवाइजेबल टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन द हेगेमोनिक सिस्टम। बजाय हम उस वर्चस्व वाले जो देश हैं उससे लड़ने भिड़ने और अपनी शक्ति को खराब करने की बजाय हम क्या करें, हम उसके साथ रहें, हम उसके साथ अपना फायदा निकालें और अलग हो जाएं। उसके बाद में है छिपाने की रणनीति, जिसको हाइड स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। हाइड स्ट्रेटजी का अर्थ ये है कि जितना संभव हो प्रमुख शक्ति से दूर रहना। चीन, रूस और यूरोपीय संघ इसी व्यवहार के कई उदाहरण हैं। इसको हाइड स्ट्रेटजी कहा जाता है। हाइड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि वो अपना है, आप उसके रास्ते में ही मत आओ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपको पता है कि इस गली में कोई कुत्ता ऐसा है जो आपको खा जाएगा तो आप उस गली से ही मत निकलो, आप अपनी गली बदल लो।
ठीक है, तो चीन, रूस और बाकी का जो यूरोपीय संघ है वो इसी प्रकार की रणनीति अपना रहे और इसी वजह से अमेरिका के निशाने पर नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि अपने आप को हाइड स्ट्रेटजी में हाइड कर लिया है। हाइड स्ट्रेटजी इंप्लाइज स्टेइंग एज फार रिमूव्ड फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। चाइना, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद में अगली स्ट्रेटजी ये कहती है कि एक और विश्वास ये है कि अमेरिका आधिपत्य का प्रतिरोध अन्य राज्यों की बजाय गैर राज्य अभिनेताओं से हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी आधिपत्य के लिए चुनौतियां गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और जनमत के संयोजन से आएगी। मतलब कहने का ये कि राजनीतिक विरोध कहीं नहीं होना चाहिए, सेना से विरोध कहीं नहीं होना चाहिए, आम जनता को उस चीज का विरोध करने दो। और एक शानदार इसका उदाहरण हम जापान के द्वारा दे सकते हैं। जापान में कहीं भी अमेरिका द्वारा बनी कोई चीज नहीं बिकती। क्यों नहीं बिकती? क्योंकि परमाणु हमले के बाद से जापानी लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। आज कहीं भी कोई भी जापानी कभी भी अमेरिका से बनी हुई चीज नहीं खरीदेगा, तो अपने आप अमेरिका उस बाजार में फेल है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रही है कि इस प्रकार की स्ट्रैटेजी जो बैंडवॉगन स्ट्रैटेजी है या हाइड स्ट्रैटेजी है, ये अपनाई जाती है ताकि किसी न किसी तरह से जो हेगेमोनिस पावर है उससे दूर रहा जाए। अनदर बिलीफ इज दैट द रेसिस्टेंस टू अमेरिकन हेगेमोनी मे कम फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स रादर देन अदर स्टेट्स। इट इज बिलीव दैट चैलेंजेस टू US हेगेमोनी विल कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन of non-government organization which means NGOs, social movements and public opinion. तो ये कुछ ऐसी strategies बताई जाती है जिनकी वजह से अमेरिकी hegemony को control किया जा सकता है। तो ये लगभग हम इस चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। थोड़ा बहुत कुछ बाकी रहा है, वो हम करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस। आपको अब तक जो समझ में आया ना उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज टेल मी बिलो इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्यूरियोसिटीज। थैंक यू।